नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मीरापुर नगर पंचायत मीरापुर व मीरापुर पुलिस ने बुधवार को मुख्यमंत्री के आदेशों पर कस्बे के बस स्टैंड से थवार वाली मस्जिद चौराहे तक सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण हटवाया। नगर पंचायत मीरापुर अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी, इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री के आदेशों पर कस्बे के बस स्टैंड से थवार वाली मस्जिद तक सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर 36-36 फुट मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान में बस स्टैंड पर रखे लकड़ी के खोके, तीन छप्पर के साथ ही होर्डिंग के एंगल्स को पूर्ण रूप से हटवा दिया। एक किलोमीटर के दायरे में जगह जगह लोगों द्वारा किए गए कब्जे बुलडोजर से साफ करा दिए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी, इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने यहां दो दिन पहले ही मुनादी कराकर सभी से अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। इसके बाद व्यापारियों ने स्वयं ही अपनी दुकानों के आगे से सामान हटाकर सहयोग किया। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने बताया, मुख्यमंत्री द्वारा ये 60 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें सरकारी जमीनों से स्थायी एवं अस्थायी कब्जे हटाए जाएंगे। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने बताया, अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। यदि कोई गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी, इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज सुदेश राज सिंह, वरिष्ठ लिपिक दीपक त्यागी, सफाई नायक नरेश कुमार एवं पुलिस बल मौजूद रहा। रिपोर्ट मोहम्मद फरीद अंसारी, मीरापुर। चला इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये शासन का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जैसा कि आदेश है कि पूरी रोडें जो है वो अतिक्रमण मुक्त किए जाए, सारे रास्ते अतिक्रमण मुक्त किए जाए, उसी से दृष्टिगत रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। सारे लोगों को पहले जागरूक किया जा चुका है और अनाउंस भी कराया जा चुका है कि जो नालों नाली है उसको छोड़कर आप अपना पीछे जो भी है दुकानदारी करें और किसी को परेशान करने कोई उद्देश्य नहीं है। और नाले के पीछे अतिक्रमण जो है, नाले का आगे का सारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ एसओ साहब साथ में हैं और भी पूरी टीम लगी हुई है। पुलिस विभाग की टीम है, नगर पंचायत की टीम है। एक ओर तो अभियान हटाया जा रहा है, दूसरी ओर रेड़ा पटरी वालों को जो है लोन देकर रोजगार करने के अवसर दिए जा रहे हैं। हाँ, रेड़ा पटरी वालों को जहाँ तक दुकानदारों की बात है, अवसर दिए जा रहे हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है। अगर हटाया जा रहा है तो उनके विस्थापित जो हो रहे हैं उनको स्थापित करने का साथ साथ में प्लान दिए। अगर हम किसी को इस तरीके से हटाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं जगह देकर हम उसका रोजगार शुरू कर देंगे। चलिए, अभियान कब तक चलेगा? अभियान बराबर चलता रहेगा, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है कि अभियान आज चला और कल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सड़कें अतिक्रमण मुक्त होंगी, रास्ते साफ होंगे और ये बराबर शासन के निर्देशानुसार चलता रहेगा। आज मीरापुर में किस किस जगह अभियान चलाए हैं? ये अभी तो यहाँ गुम्बा चौराहे से थावर वाली मस्जिद है, इसके बाद थाना तरफ जाएंगे हम लोग, थाने तरफ तक क्लीन कराएंगे, उसके बाद मेन मार्केट कराएंगे, उसके बाद जो चौड़े मार्ग मीरापुर के हैं वो कराएंगे। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।